दोस्तों, आपने मटर पनीर बनाने के तो बहुत तरीके देखे होंगे, कभी प्रेशर कुकर में, कभी सीधा कढ़ाई में या भगोने में भी। लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखना, इसमें हमने प्याज को थोड़ी अलग ट्रीटमेंट करी है, जिससे सच में मटर पनीर का टेक्सचर और फ्लेवर बहुत अलग आता है। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें लिए हैं, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, साथ में ज्यादा लहसुन है ये, और 1.5 इंच तक अदरक है। और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है दही। लेकिन खट्टी दही मत ले लेना, आपको सिर्फ 3 से 4 चम्मच दही चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेसिकली ग्रेवी का एक टेक्सचर चेंज करने के लिए, उसको क्रीमीनेस देने के लिए। और हाँ, दही खट्टी मत ले लेना। अच्छा, करना ये है प्याज को, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इनको स्लाइसेस में करना है। स्लाइसेस करने भी आसान होते हैं, और क्योंकि हम इसको सीधा ही फ्राई कर देंगे तो ये पकेंगे भी बहुत आराम से, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टमाटरों को भी आप रफली चॉप कर लेना, और जो इनकी रूट्स होगी उनको जरूर निकाल लेना। ना मैं आपको बोलूंगा कि अब लहसुन को फाइनली चॉप करो, ना मैं बोलूंगा कि अदरक को फाइनली चॉप करो, रफली कर लेना ताकि मिक्सी में ग्राइंड करने में आसानी हो बस। हाँ, 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिया है, वो जो मीठे वाले आ रहे हैं ना आजकल, वही लिया है। आपने स्टोर करने शुरू करे नहीं करे, स्टोर जरूर करना शुरू कर देना। और साथ साथ मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को बस आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना, अगर आपको बड़े पसंद है तो बड़े रख सकते हो, वैसे मटर के साथ छोटे छोटे क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग पार्ट है रेसिपी का, यानी कि थोड़ा घी फ्राई करना है, तो थोड़ा मैंने ज्यादा तेल डाला है अभी यहाँ पर कढ़ाई में। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, आप यहाँ पर तीनों जो स्लाइस किए हुए प्याज है ना, सारे एक ही बारी में आप आराम से फ्राई कर सकते हो। गर्म तेल में पहले चेक करना और फिर यहाँ पर प्याज को डाल देना। आपको लगभग 5 मिनट तो लग जाएंगे प्याज को भुनने में, क्योंकि हमें गोल्डन कलर चाहिए प्याज से, एकदम ब्राउन होने चाहिए। लेकिन जब हम ऐसे डीप फ्राई करते हैं ना, तो प्याज में गर्मी बहुत होती है, उसको कैरी ओवर कुकिंग कहते हैं, तो वो गर्मी को रिटेन करते हैं। तो जैसे ही हल्का सा कलर आने लग जाए, देखो इतना कलर आ गया ना, आप फटाफट से इसको टिश्यू पेपर पे निकाल देना, नहीं तो आपके प्याज 100% ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे। और हाँ, इसको हाई फ्लेम पे मत करना, मीडियम फ्लेम पर ही करना, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी इनको। मीडियम फ्लेम पर जैसे ही ये कलर आ जाए, आप फटाफट से टिश्यू पे निकाल देना, दैट्स इट। अब इस गरम गरम तेल में मैंने पहले लहसुन डाल दी है, लहसुन को थोड़ी देर मैंने भुना है हल्का सा कलर आने तक, और फिर मैंने यहाँ पर अदरक भी डाल दी एकदम एंड में। अदरक को ज़्यादा बिल्कुल मत भुनना, ज़्यादा भुनोगे तो गड़वाहट देगी, जल जाएगी। लहसुन को थोड़ा ज़्यादा भुना है बस, आप इसको भी निकाल देना। और अब सीधा आते हैं हमारी मिक्सी में। तो मिक्सी में पहले मैंने टमाटरों को पीस लिया है, टमाटरों के साथ साथ अदरक और लहसुन भी मैंने इनके साथ ही डाल दिए। आपको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, अच्छे से ग्राइंड कर देना, थोड़ी देर तक मशीन को होल्ड करके रखना, तभी एकदम फाइन पेस्ट निकल कर आएगा। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे। रही बात प्याज की, तो उसको भी मिक्सी में आपने ग्राइंड करना है, लेकिन प्याज थोड़े ठंडे हो जाएंगे तभी इनको मिक्सी में ग्राइंड करना। तभी मैंने पहले टमाटरों को किया था, ताकि प्याज की गर्मी निकल जाए, टेक्सचर तभी आता है और उनका टेस्ट भी तभी आता है। ये देखो आप, हल्के मेरे प्याज क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है। थोड़ा ग्राइंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि एक पेस्ट सा बन जाए। बस प्याज भी तैयार है। अब कढ़ाई से ऑब्वियसली मैंने तेल कम कर दिया है काफी, क्योंकि इतना तेल थोड़ी खाना है। आप तेल कम कर देना और इसमें थोड़े खड़े मसाले डालते हैं, जैसे कि जीरा, गरम तेल में डालना जीरा, ठंडे तेल में नहीं, साथ साथ दालचीनी, तेज पत्ता, थोड़ी सी इलायची और काली मिर्च। थोड़े गरम मसाले बहुत बढ़िया लगते हैं दोस्तों, ज़रूर डालना आप यहाँ पर। इसके साथ साथ आप टमाटर डाल देना, और शुरुआत में ही टमाटरों के साथ ही आपने काफ़ी सारी चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि हमें कलर भी बहुत बढ़िया चाहिए और फ्लेवर भी भुना हुआ चाहिए एकदम। तो आप यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना, 1/2 चम्मच हल्दी इसी टाइम पर डालना। अब भाई टमाटर आ गए हैं तो नमक को कैसे भूल सकते हैं, तो नमक ज़रूर डाल देना 1.5 चम्मच। और क्योंकि हमारे फ्रेश मटर हैं, मैंने अच्छे से धो लिया है इनको, इनको आप शुरुआत में ही डालना। अगर आप फ्रोज़न यूज़ कर रहे हो तो आप बाद में डाल सकते हो, लेकिन आजकल तो मीठे मटर हैं यार, उनको यूज़ करना बिल्कुल बनता है, तो शुरुआत में ही डालना। इनको भुनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। इस रेसिपी की खास बात ही यही है कि आप यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर रहे हो, वही मेन बात है यहाँ। अगर आप स्पेशली घर में आए हुए गेस्ट के लिए बना रहे हो, तो स्पेसिफिकली इस तरीके से मटर पनीर बनाना, सीरियसली बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ी देर में ही आप देखना टमाटर जो है वो बिल्कुल तेल अलग होना शुरू हो जाएगा उनसे, और हल्के से दानेदार हो जाएंगे।
इस स्टेज तक आपने यहाँ पर पकाना है। और इन द मीन वाइल आप ये देखो, दही में जो 3-4 चम्मच दही थी, इसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तक धनिया पाउडर इसी में डाल दिया दही में। ये बेसिकली इंश्योरेंस है कि दही फटे बिल्कुल भी ना, कि हीट से जैसे हम डालें दही फटे बिल्कुल भी ना, आप इसी में ही धनिया पाउडर डाल देना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइम पर आप यहाँ पर हरी मिर्च बिल्कुल इसी टाइम पर डालना, क्योंकि हमने हरी मिर्च को काटा नहीं है। इस पॉइंट पर डालने से ना एक जो खुशबू है वो बहुत ही यूनिक आती है। ये आप डाल देना, धनिया और दही को मिलाकर अच्छे से डाल देना। थोड़ी देर हमने भुनना है फिर से, क्योंकि अब दही को भी पकाना है ना अच्छे से। तो दही आप जैसे ही डालोगे तो फटाफट इसको स्टर जरूर करना, अच्छे से स्टर करना, नहीं तो दही फटने के चांसेस हो जाते हैं। और गैस को लो जरूर कर देना दही डालते हुए। बस 2 से 3 मिनट आपने पकाना है, दही बहुत जल्दी पक जाती है। जब दही अच्छे से भुन जाए तो आप यहाँ पर भुने हुए प्याज का जो पेस्ट था ना, ये भी डाल देना। और हाँ, मिक्सी से एक एक कोना जरूर निकाल देना। तो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर उनको भी निकाल दिया है। बेस्ट बात तो यह है कि प्याज ऑलरेडी भुने हुए हैं, तो यहाँ पर उनको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। दही के साथ वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पक जाएंगे। और आप खुद ही टेस्ट करके देखना, पहले आप टेस्ट करना, ग्रेवी हल्की खट्टी होगी, प्याज डालने के बाद ऑटोमेटिकली एक बैलेंस सा बन जाएगा, खट्टेपन को बैलेंस करेगा मीठापन। और सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग लगता है, छोटी सी बात से इतना फर्क आ जाता है। और अब आप यहाँ पर पनीर डाल देना। पनीर के साथ साथ मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट वो है कसूरी मेथी, ये आप यहाँ पर डालना। और 1 चम्मच तक आपने यहाँ पर गरम मसाला डालना है, एकदम एंड में ही डालना। अच्छा, मैंने गरम मसाला यहाँ पर यूज़ किया है टाटा संपन्न का। और टाटा संपन्न के गरम मसाले की बेस्ट बात यह है कि इसमें ठंडा मसाला यानी कि धनिया की क्वांटिटी बहुत कम है, तभी इसकी खुशबू ही एकदम अलग सी आती है। अब बस हमें एंड में पनीर को और मसालों को अच्छे से इस ग्रेवी के साथ पकाना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से मिला देना, थोड़ी देर आप ज़रूर भुनना। बस दोस्तों, आपने एंड में थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि इतना गाढ़ा थोड़ी खाएंगे, थोड़ा पतला तो करेंगे ही ना। पानी डाल के आप ढक्कन लगाना, ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पर आप छोड़ देना इस मटर पनीर को मिनिमम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद एक जादू सा हो जाएगा कि पनीर भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मटर के अंदर तो ऑलरेडी फ्लेवर आया ही हुआ था, पनीर के अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। और वो जो हरी मिर्चें जो हमने डाली है ना, वो एक अलग सी खुशबू देती है। सीरियसली आप बिना तोड़े इनको डालना और आपको बहुत बढ़िया लगेगी। दोस्तों, मटर पनीर बनके पूरे तैयार है, इनमें बस मैंने धनिया डाल दिया है। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा।